हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी ट्रस्टबल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10th का बुक में है पहला चैप्टर, और प्रश्नावली 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने बताएंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें पहले हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो उससे पहले जानेंगे कि यूक्लिड कौन थे। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, और उसने एक यहाँ पे साथ ही दिया कि एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस, एक तरीका होता है, मतलब एक स्टेप होता है जिससे कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, उसी को नाम दिया गया एल्गोरिथम। विभाजन मतलब हम लोग जानते हैं भाग देना है। यूक्लिड ने एक तरीका बनाया था, उस स्टेप को बनाया था जिससे हम लोग भाग देकर हम लोग एसिड निकाल सकते हैं। तो उसी तरीका को यूज करके हमें यहाँ पे एसिड निकालना है। तो आइए सॉल्व करके सीखते हैं। सोल्यूशन में पहले नंबर में 135 और 225 का हमें एसिड निकालना। तो यहाँ पे 135 से हम 225 को भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड ने बताया था कि जो छोटा संख्या रहेगा उससे हम क्या करेंगे, बड़ा को भाग देंगे। तो पहला स्टेप ये बताया गया था। तो हमने क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं। जब 135 हमने 225 को डिवाइड देंगे, ये संख्या तीन डिजिट का हर किसी को पहाड़ा ये याद रहता नहीं है, तो हम लोग इसको आसानी से कैसे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो अंक देखेंगे और उसका भी दो अंक देखेंगे, कितना है 13 है, यहाँ पे कितना 22। तो 13 × 26 दो बार में अधिक आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, एक ही बार में देंगे। तो हम क्या लेंगे, एक बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 135, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो 5 में से 5 घटा कितना आ जाएगा, 0। 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, बगल से एक पैसा ले लेंगे, कितना बन जाएगा ये 12 बन जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक इसको हम दे दीजिए, कितना बचेगा, एक एक में से घटाएंगे तो 0, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 90। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, सिस्टम नंबर 90 आ गया। अगर यहाँ पे 0 आ जाता 90 की जगह तो 135 सेफ होता। अब चूंकि यहाँ पे ये 90 है, 0 है नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो 90 जो आएगा इससे हम क्या करेंगे, 135 को फिर भाग देंगे। कारण 135 जो है इसको पूरा पूरा भाग नहीं दे सका, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड देंगे। तो इसका सिंपल सा एक तरीका यही है। अब 90 से भाग देंगे, 9 × 2 = 18, यानी 2 बार में 180 आ जाएगा। मगर हमको लाना कितना, 135 एक ही बार लगेगा, उससे कम आना चाहिए, तो 90 का 90 लिखेंगे। अब इसको हम लोग घटाते हैं, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो क्या होगा, दोनों मिला देंगे कितना बन जाएगा, 13। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, कितना गया, 45 आ गया, 45। अब यहाँ भी क्या, 0 नहीं आया, कितना आ गया, 45 आ गया। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो 90 हमारा सेफ हो जाता, और यहाँ पे 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, 45 से फिर हम 90 को भाग देंगे, क्योंकि हम 90 से डिवाइड दिए थे तो 45 आया था। अब क्या करेंगे, 45 को भाग देंगे, 45 × 90 दो बार में। अब हम देखें, 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 आ गया, 0, ठीक है, यानी हमारा सक्सेसफुल जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो कब आया, किससे डिवाइड देते हैं, 45 से, उसमें क्या देते हैं यहाँ पे, 45 से। तो ये हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45, यानी 45, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लिए, जिसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करें। सेकंड नंबर क्या, 196 और 38 या 220 का हमें एलसीएम निकालना है। तो छोटा कौन सा है, 196 है, तो क्या करेंगे, 196 से हम लोग भाग देंगे यानी डिवाइड देंगे 38,220 को, 38,220। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना, 196 है, तो 196 का बड़ा लोगों को याद रहता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिजिट देखेंगे, क्या है, 19 है, और यहाँ पे दो अंक में क्या, 38 है। तो 19 × 38 यानी दो बार भाग लग जाता है, परंतु तीसरा डेट क्या है, 6 है, 6 × 12 यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 12 क्या बड़ा हो जाता है, यानी दो बार में देंगे तो नहीं लगेगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग एक बार में देंगे। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 196 को हम लोग एक बार में देंगे, 196 से हम लोग 196 यहाँ पे लिखेंगे और इसको घटाते हैं। अब यहाँ पे 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, बगल से पैसा ले लेंगे, कितना बन जाएगा ये, 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब एक इसको दे दी थी, ये कितना बन जाएगा, 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर से बगल से ले लेंगे, कितना बन जाएगा ये, 7 था तो एक ले लेंगे तो बगल में 17 आ जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 ले देंगे। अब एक इसको दिए थे तो ये कितना बन जाएगा, 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग भाग में क्या करते हैं, जो ऊपर में संख्या रहता है उसको हम लोग नीचे उतारते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 2 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे।
यहाँ पे दो को हम लोग उतार देते हैं, कितना बन गया 1862, और यहाँ है कितना 196। 196 का पहाड़ा हम लोग अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 1960 यानी 1960 आता है, और यहाँ पे 1862 है तो 10 बार तो लगेगा नहीं, तो हम क्या देंगे 9 बार दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, किनारे में हम लोग 9 से हम लोग गुना कर चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो 6 नंबर 54, 54 के 4 हाथ में कितना बच गया 5, 9 नंबर 81, 81 और 5 86, 86 के 6 फिर हाथ में कितना बच गया 8, 9 9 9 8 17, तो कितना आ गया 1764 यानी 1764, ये लिखते हैं 1764। यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 1862 से छोटा है तो ये आराम से लग गया। उसको फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अब क्या करेंगे, दो में से तो घटेगा नहीं, बगल से पैसे लेंगे कितना बचेगा 12, 12 में से घटेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इसको दे दिए थे तो कितना बन जाएगा 5, 5 में से तो 6 नहीं घटेगा तो बगल से फिर से एक पैसा ले लेंगे कितना बन जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा। अब ये इसको दे देते कितना बन जाएगा 7, 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे तो 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक और बचा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेते आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0 उतार देंगे, ये जो 0 है ठीक है। यहाँ पे कितना बन गया 980। अब 196 के पहाड़ा में क्या 980 आता है तो हम लोग चेक कर सकते हैं 6 से, 6 का 6 12 6 6 6 बचे 30, तो 5 बार में यहाँ पे 0 आ रहा, 30 का 0 होता है यानी आ रहा है ठीक है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, सबसे पहले कितना 9 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब 5 से डायरेक्ट यहाँ चेक कर सकते हैं 5 6 का 30, 30 का 0, हाथ में कितना बच गया 3, 9 सॉरी यहाँ 5 है, 5 नंबर 45। या फिर आपको अगर दिक्कत लगता है तो यहाँ पे 196 इस तरह से लिख लें और 5 से हम लोग गुना करें तो 5 यहाँ पे लिख दें, इससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक नहीं होगा। 5 6 30, 30 का 0 हाथ में बच गया 3, 5 नंबर 45, 45 और 3 48, 48 का 8 हाथ में कितना बच गया 4, 5 का 5 और 4 9, 980 आ गया यानी 196 का 5 और 5 तो 980 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे डायरेक्ट 980 तो हो गया भैया। अब इससे दोनों घटाएंगे कितना जाएगा 980 में से 980 घटाएंगे तो 0, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम इसमें किससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या है 196 यानी 196 से भाग देते हैं, 196 हमारा क्या निकल गया SCF निकल गया, यही हमारा SCF है। तो हम लिखते हैं 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना है 196, तो हम लोग यहाँ पे 196 इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर। इसका आगे के बाद जो प्रॉब्लम है उसको हम बताएंगे फिर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, 255 से हम लोग 867 को डिवाइड देंगे, तो 255 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे 8, 6 और 7 इसको लोग डिवाइड देते हैं। यहाँ कितना है, दो अंक देखते हैं 25 और यहाँ पे कितना 86, तो 25 का 25, 25 दोनों 50, 25 75, 25 चौका 100, 4 बार में 100 आ जाता है, यानी 3 बार में हम लोग दे सकते हैं, 3 बार देंगे। यहाँ लिखते हैं 255 गुना 3 और देखते हैं गुना कर कितना आता है, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1 बच गया, 5 दिया 15 हाथ में 1 था मिलाकर 16 हो गया, 16 का 6 हाथ में 1 बच गया, 3 गुना 6 और 1 7 कितना 765। यहाँ पे 867 से छोटा तो आराम से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 765। अब दोनों क्या करना है, घटाना है, तो 7 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, कितना हो गया 102। अभी 102 हो गया तो इसको 102 लिखते हैं। आपके कारण क्या है, ये रिमाइंडर हमारा जो सेसफल आ गया कितना आ गया 102 आ गया, अगर यहाँ पे केवल 0 आ जाता तो हमारा एसएफ निकल जाता, पर यहाँ पे 102 आ गया और डिवाइड हम किससे दे रहे थे 255 से, और ये पूरा पर इसको डिवाइड नहीं दे पाया तो क्या करेंगे 255 को ही फिर हम लोग डिवाइड देंगे, यहाँ लिखेंगे 255 ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 102 है, यहाँ पे 255, दो बार में कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, 3 बार में अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे दो बार में हम आराम से लिख सकते हैं, 2 2 9 4, 2 का पहाड़ा 0 पड़ेंगे 0 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 1 बार पड़ेंगे 2 आ जाएगा, यानी 102 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे कितना 204। अब इसको घटा देंगे 5 में 4 घटाएंगे तो 0 सॉरी 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं 0 आ जाएगा, कितना बच गया 51। अब यहाँ पे 51 बच गया, अगर यहाँ पे 0 आता तो ये सेफ हो जाता है, तो क्या बच गया 51, तो अभी सेफ निकलना नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे जिससे हम डिवाइड देते किसे देते 102 से, तो फिर से हम यहाँ पे 102 लिखेंगे। अब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो इसको आराम से दे सकते हैं, 50 दोनों 100 होता सब लोग जाता और 51 दोना 102 हो जाएगा, तो दो बार में लिखेंगे कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा,
दो का दो, दो पचे दस, अब इसको घटाएंगे कितना आ गया जीरो, जीरो आ गया, ठीक है जीरो आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दें किससे डिवाइड कर रहे थे, 51 से दे रहे थे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जैसे जीरो आ जाता है रिमाइंडर, उसमें किससे डिवाइड करते 51 से, 51 क्या होगा हमारा एस सी एफ हो गया। तो हम लिखेंगे 867 और 255 का एच सी एफ बराबर कितना निकल गया 51 यानी 51 51 और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब इसका जो आगे का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।